अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारे पास फॉर्म का टैग हम HTML में के क्यों यूज़ करते हैं और उसके अंदर हमारे पास कौन से इनपुट फील्ड यूज़ होते हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एडिटर ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपने एक कंट्रोल एन प्रेस करके न्यू फाइल क्रिएट करनी है और कंट्रोल एस प्रेस करके आपने ये शॉर्टकट कीज़ हैं इनको यूज़ करना है। HTML से आपने सेव कर लिया, अदरवाइज आप यहाँ से भी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और यहाँ से भी आप सेव कर सकते हैं। और यहाँ HTML का हमने तो यहाँ हम वापस फोल्डर में जाके इस फोल्डर इस फाइल को ब्राउजर में ओपन करेंगे। अब हमारे पास फॉर्म टैग यूज़ होता है, जैसे कि आप अगर डिफरेंट वेबसाइट पे विजिट करते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं रजिस्ट्रेशन फॉर्म होता है आपके पास साइन अप फॉर्म साइन इन फॉर्म आ रहा होता है, लॉगिन फॉर्म, आपके पास कॉन्टैक्ट अस फॉर्म आ रहा होता है। तो ये सारे फॉर्म हम फॉर्म के टैग के अंदर हम इस फॉर्म क्रिएट करते हैं, फॉर्म के टैग बनाते हैं और उसके अंदर डिफरेंट इनपुट फील्ड्स डिफाइन करते हैं जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे होते हैं। तो अब सबसे पहले हमारे पास फॉर्म का टैग यहाँ पे डिफाइन हम कर देते हैं। ये हमारे पास फॉर्म का टैग डिफाइन हो चुका है और यहाँ पे हम सबसे पहले इनपुट फील्ड देते हैं, इनपुट फील्ड जिसकी टाइप है टेक्स्ट। अब इनपुट फील्ड जिसकी टाइप टेक्स्ट होती है उसमें हमारे पास ये है कि आप इधर कुछ भी एंटर कर सकते हैं, लाइक आप टेक्स्ट भी एंटर कर सकते हैं, साथ नंबर भी एंटर कर सकते हैं। तो यहाँ आपके पास कोई भी आप इसमें अल्फ़ाबेट भी ऐड कर सकते हैं, आप सारे स्पेशल करेक्टर्स भी ऐड कर सकते हैं, आप नंबर्स भी ऐड कर सकते हैं। जहाँ पे इनपुट टाइप आपके पास टेक्स्ट आएगी, उसके बाद हमारे पास एक इनपुट टाइप होती है ईमेल की, हमारे पास इनपुट टाइप ईमेल। तो ईमेल में हमारे पास जिस इनपुट टाइप का हम जिस जहाँ पे हम इनपुट टाइप ईमेल डिफाइन कर देते हैं वहाँ पे अगर आप ईमेल का फॉर्मेट एंटर नहीं करते तो वो आपको फॉर्म को सबमिट नहीं करने देता। यहाँ पे अगर हम एक बटन बना लें और यहाँ पे बटन की टाइप हम सबमिट रख रहे हैं, जब हम यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हम ईमेल की जगह यहाँ हम अल्फाबेट्स लिख देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे जब सबमिट करते हैं तो वो हमें कह देगा प्लीज़ एंटर एन ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमने इस इनपुट टाइप की इस इनपुट फील्ड की टाइप हमने ईमेल रखी हुई है। तो जब हमने ईमेल टाइप रखी है तो वो हम जब तक यहाँ पे ईमेल एंटर नहीं करेंगे वो हमें सबमिट नहीं करने देगा। तो यहाँ पे जब हम ईमेल हम डिफाइन करेंगे तो वो हमें सबमिशन करने देगा फॉर्म की। उसके बाद हमारे पास एक और टाइप आती है जो होती है नंबर की, नंबर की टाइप हमारे पास इनपुट टाइप नंबर। जब हमारे पास इनपुट फील्ड की टाइप नंबर होगी तो वह आपको कोई अल्फ़ाबेट इसके इनपुट फील्ड के अंदर एंटर करने की परमिशन नहीं देगा। मैं यहाँ आके इस ब्राउज़र को रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे आप सबमिशन आपने यहाँ पे अगर आप अल्फ़ाबेट्स टाइप कर देते हैं और यहाँ सबमिशन करते हैं तो वो आपको कह देगा प्लीज़ एंटर अ नंबर। यहाँ पे वो आपको कोई भी अल्फ़ाबेट्स एंटर नहीं करने देगा, जब तक आप यहाँ पे नंबर एंटर नहीं करेंगे वो आपको सबमिशन नहीं करने देगा। तो ये होते हैं इनपुट टाइप नंबर। इसके अलावा हमारे पास एक और इनपुट टाइप आ जाती है जिसको हम कहते हैं फाइल। अब यहाँ पे इनपुट टाइप अगर आपके पास फाइल आ रही है तो जब यहाँ पे फाइल डिफाइन करते हैं तो आप कोई भी फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। ये आपके पास ब्राउज का ऑप्शन आ गया, यहाँ पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप कोई भी फाइल यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। जैसे कि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म में देखते होंगे कि आपको कभी कह रहे होते हैं कि अपनी पिक्चर अपलोड कर दें, अब कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करने का बोल रहे होते हैं, तो वो उसके लिए हम इनपुट टाइप फाइल को यूज़ करते हैं। अब उसके बाद हमारे पास फॉर्म में हमारे पास एक टाइप आती है डेट की। अगर हम इनपुट टाइप डेट डिफाइन कर दें तो हमारे पास एक कैलेंडर ओपन हो जाएगा, जब
हम इसको यहाँ को सेव करके यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे क्लिक करने से हमारे पास पूरा कैलेंडर ओपन हो गया। यहाँ से हम कोई भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। एक इसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप आती है, फॉर एग्जाम्पल हमने जेंडर एंटर करवाना है, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप यूज़ करते हैं रेडियो। रेडियो बटन की हम इनपुट टाइप यूज़ करते हैं। अब यहाँ पे हमने जेंडर में मेल लिख दिया, फिर यहाँ पे हमने फीमेल लिख दिया, और यहाँ पे आपने जब रेडियो बटन डिफाइन करने तो उनके जो नेम होगा वो आपने सेम रखना है। जब आप उसका नेम सेम रखेंगे तो वो उन रेडियो बटन में से एक को सिलेक्ट करेगा, अदरवाइज आप दोनों पे क्लिक करेंगे वो दोनों को सिलेक्ट कर देगा। फॉर एग्जांपल यहाँ हमने इसको रिफ्रेश किया और अब हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो यहाँ पे आएगा, जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से वो हट जाएगा, यहाँ पे अब हम क्लिक करते हैं तो वो वहाँ से हट गए। लेकिन अगर हम यहाँ पे नेम हटा देते हैं, यहाँ से नेम यहाँ पे डिफाइन नहीं करते और इसको सेव कर लेते हैं, यहाँ रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ अगर हम देखें तो वो दोनों पे हमें अलाउ कर रहा है कि आप सिलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि जेंडर तो आप एक सिलेक्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ये आपके पास फिर रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने नेम सही से, यहाँ पे नेम सेम रखने हैं, कोई भी यहाँ आप नेम डिफाइन कर सकते हैं इसका। उसके बाद हमारे पास अगर हमने बहुत सारे कोर्सेज को सेलेक्ट करने हो तो उसके लिए हम चेक बॉक्स लगा सकते हैं, जहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्स होगी। चेक बॉक्स में हम मल्टीपल वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। अब जेंडर में हम सिंगल वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, या मेल होगा या फीमेल होगा, लेकिन फॉर एग्जांपल हमने बहुत से कोर्सेज हैं उनमें से हमने दो तीन सेलेक्ट करने हैं, तो उसके लिए हम चेक बॉक्सेस चूज करेंगे। वेब कर लेते हैं एक, यहाँ पे एक वेब कर लिया, ग्राफिक कर लिया, पाइथन कर लिया, पीएचपी कर लिया, और अगर हम इसको सेव करके यहाँ रिफ्रेश करें तो यहाँ पे हम मल्टीपल चेक बॉक्सेस को सेलेक्ट कर सकते हैं, अनचेक कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे पास एक और इनपुट टाइप हो गई। उसके बाद हमारे पास फॉर्म के अंदर सेलेक्ट का टैग होता है, जिसके अंदर हम फॉर एग्जांपल हमने कंट्रीज हमने फॉर एग्जांपल कंट्रीज सेलेक्ट करवानी है, तो हमने अपने कभी रजिस्ट्रेशन के वक्त देखा भी होगा कि वो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है, जब हम कंट्रीज वगैरह को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, सिटी को सिलेक्ट कर रहे होते हैं, तो हमारे पास एक ड्रॉप डाउन ओपन हो जाता है, तो उसके लिए हम सिलेक्ट का टैग यूज़ करते हैं। सिलेक्ट के अंदर हम ऑप्शंस, जो ऑप्शंस लिखेंगे वो ड्रॉप डाउन में आते जाएंगे। फर्स्ट ऑप्शन में हम लिख देते हैं सिलेक्ट कंट्री, देन हम उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन में लिख देते हैं अमेरिका, पाकिस्तान, ईरान, चाइना। इसको हमने जब सेव किया और यहाँ रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन एक ओपन हो गया, इसमें हम एक कोई भी वैल्यू सेलेक्ट कर सकते हैं। और हमारे पास फॉर्म के टैग के अंदर, अब हमारे पास इसके अंदर डिफरेंट एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे रिक्वायर्ड लगा देते हैं एट्रीब्यूट, हमने जो इनपुट टाइप टेक्स्ट थी वहाँ पे रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट सेट कर दिया, तो अगर हमने इस इनपुट फील्ड के अंदर वैल्यू एंटर नहीं की और फॉर्म को सबमिट करने की कोशिश की, तो वो हमें इस फॉर्म को सबमिट नहीं करने देगा। वो कहेगा कि सबसे पहले आप इस इनपुट फील्ड को फिल करें, अदरवाइज आप अपने फॉर्म को सबमिट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे अगर हम इसको रिफ्रेश करें और यहाँ सबमिशन करें तो वो हमें कह रहा है कि प्लीज़ फिल आउट दिस फील्ड, क्योंकि यहाँ पे हमने रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दिया। अगर रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट आप सेट कर देंगे तो वो आपको फॉर्म को सबमिट नहीं करने देगा जब तक आपने वहाँ पे कुछ डेटा एंटर नहीं किया। एक और हमारे पास एट्रीब्यूट होता है जिसको कहते हैं रीड ओनली।
रीड ओनली से ये होता है कि आप वहाँ पे कुछ भी इंसर्शन नहीं कर सकते, उसको सिर्फ आप उस फील्ड को देख सकते हैं, वो रीड ओनली फील्ड होती है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो ये, अब ये फील्ड में हम ईमेल की फील्ड में हम इंसर्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि उसने हम इस फील्ड को डिसेबल कर दिए। आप डिसेबल का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं। ये अब हमने नंबर का जो इनपुट नंबर की फील्ड थी उसको डिसेबल कर दिया। इसको अब इस फाइल को सेव करके अगर हम अपने ब्राउज़र में रिफ़्रेश करें तो वो यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं करने दे रहा, वो यहाँ पे भी हमें एंट्री नहीं करने दे रहा, उसने इसको डिसेबल कर दिया। अब इसके बाद ये हमारे पास फॉर्म का पूरा टैग था, इसके अंदर डिफरेंट, आप इस वीडियो में हमने देखा कि इस फॉर्म के टैग के अंदर हम डिफरेंट इनपुट फील्ड डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले हमने कह दिया कि इनपुट फील्ड टेक्स्ट हमने डिफाइन की जिसमें आप अल्फाबेट्स भी एंटर कर सकते हैं, नंबर भी एंटर कर सकते हैं, कुछ भी एंटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमने नेक्स्ट इनपुट फील्ड देखी जिसकी टाइप ईमेल थी। जब ईमेल टाइप होगी तो आपको ईमेल फॉर्मेट ही एंटर करने देगा वो, अदरवाइज आपको वो सबमिट नहीं करने देगा फॉर्म को। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट इनपुट टाइप थी वो नंबर की टाइप थी। नंबर, जब नंबर की टाइप हम डिफाइन करते हैं तो वो आपको कोई भी अल्फाबेट्स वगैरह या स्पेशल करेक्टर एंटर नहीं करने देगा, वो आपको कहेगा कि आप इस नंबर जब एंटर करेंगे तभी आप इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फिर हमारे पास एक इनपुट टाइप आती है फाइल की। जब भी हम कोई फाइल अपलोड करना चाहे, कोई इमेज अपलोड करना चाहे, तो उसके लिए हम इनपुट टाइप फाइल यूज़ करते हैं। उसके बाद हमारे पास इनपुट टाइप थी डेट की। जब हमने कोई भी डेट सेलेक्ट करनी हो तो पूरा कैलेंडर हमारे पास वो दे देता है अगर हम इनपुट टाइप डेट रख दे दो। उसके बाद जेंडर हमारे पास, हमने मतलब जब हमने जेंडर वगैरह सेलेक्ट करना होता है, हम रेडियो बटन्स यूज़ करते हैं। रेडियो बटन्स में अगर हमें नाम ज़रूर उनका सेम रखना पड़ता है, अदरवाइज वो दोनों को चेक कर देता है। और अगर हमने, अगर इसको नाम, अगर हम इसका नाम सेम नहीं रखें तो वो दोनों को चेक कर देगा, इसलिए हमें इसका नाम सेम डिफाइन करना होता है। वो कोई भी आप यहाँ पे नाम रख सकते हैं। फिर हमारे पास जब हमें मल्टीपल वैल्यूज सेलेक्ट करवानी हो, जैसे कोर्सेस की करवाते हैं हम, तो वहाँ पे हम चेक बॉक्सेस यूज़ कर लेते हैं। जहाँ पे इनपुट टाइप चेक बॉक्सेस होगी तो वो मल्टीपल चेक बॉक्सेस यहाँ पे हमें सेलेक्ट कर सकते हैं, हम उसको चेक कर सकते हैं, हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद अगर हमें कंट्रीज़ वगैरह, सिटीज़ सेलेक्ट करवानी हो, ड्रॉप डाउन हम उसके लिए यूज़ करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास HTML में फॉर्म के अंदर सेलेक्ट का टैग होता है जिसके अंदर हम ऑप्शंस डिफाइन कर देते हैं। सेलेक्ट के टैग के अंदर जो ऑप्शंस हम डिफाइन करेंगे वो ड्रॉप डाउन में हमारे पास शो हो रहे होंगे। तो ये आज की इस वीडियो में हमने सारे फॉर्म्स के एलिमेंट्स वगैरह देखे। और अगर आपको इनमें से किसी में भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।